कहानी तुम्हें, आओ सुनाओ कहानी तुम्हें भारत के इतिहास की, जिगरी की, जज्बे की, हिम्मत की, बलिदान की। सोने की चिड़िया कहलाता था ये देश, तभी लुटेरे आए कुछ बदल कर अपना भेस। सात समुंदर पार से कंपनी का उद्घाटन करने आए, भारत की जमीन पर कब्जा अपना करने आए। तोड़ो और राज करो यही उनका नारा था, और उनके निशाने पर देश पूरा हमारा था। धीरे धीरे असली रंग दिखाने उन्होंने शुरू किए, हमारे राजा भी उनसे अब रूबरू हुए। देखते देखते हर जगह उनका कब्जा हुआ, जनहित में पैदा देश हित का जज्बा हुआ। जुर्म उनके बढ़ते रहे, नई नई अनैतिक रीतियां भी बढ़ते गए। उनके विरुद्ध आवाज उठना आरंभ हुआ, और इसी तरह आजादी का संग्राम प्रारंभ हुआ। साइमन गो बैक क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे अनगिनत आंदोलनों का आगाज हुआ। 1857 की क्रांति जैसी कई लड़ाइयों का इतिहास हुआ। 200 वर्ष लगे अंजाम तक पहुंचने में, स्वतंत्रता पाने में, देश को फिर खोजने में। स्वतंत्रता के सेनानी बहुत हुए, नाम अपना अमर कर गए, इतिहास के पन्नों में अपना घर कर गए, लोगों के दिल में हमेशा के लिए अपना घर कर गए। अहिंसा हिंसा सबका अपना अलग तरीका था, पर लक्ष्य सबका एक, भारत की विजय का था। अंग्रेजों से अब हम स्वतंत्र हैं, हमारा अपना एक गणतंत्र है, पर भारत सोने की चिड़िया फिर बन न पाया अब तक। जाने कितनी लड़ाइयां चल रही अभी भी और चलेंगी कब तक। कहने को आजाद हमारा मुल्क है, पर अभी भी बाकी काफी शुल्क है। शुल्क आतंकवाद का, शुल्क भेदभाव का, शुल्क भ्रष्टाचार का, शुल्क व्यभिचार का। कई नीतियां समझ से परे हैं, धर्म पर सारे मुद्दे ना खड़े हैं। शुल्क चुकाने के लिए, इन सबसे आजादी पाने के लिए जिम्मेदारी सब पर एक समान है। सभी देशवासियों के पास इस देश की कमान है। अपना कर्तव्य हम सबको करना अदा है, दायित्व अपना अच्छे से निभाना सदा है। जब राजनेता अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे, जब आतंकवाद भारत के नाम से कपाएंगे, जब सुरक्षित सब खुद को पाएंगे, सही मायनों में आजाद तभी कहलाएंगे, सही मायनों में आजाद तभी कहलाएंगे। थैंक यू।